हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर आयुषी। और आज जो है हम करने वाले हैं क्या, सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 जो है हमारा रियल नंबर्स, उसका हम क्या करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हमने ऑलरेडी जो वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, जिसमें रियल नंबर्स क्या होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये जो हम आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम इसे समझ लेंगे कि यूक्लिड ने जो है वो क्या लेमा, जो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है वो क्या है एक्चुअली, तो उससे हम क्या कर पाएंगे, आगे के क्वेश्चन हमारे ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसको कंसिडर करते हैं कि यूक्लिड जो था वो एक साइंटिस्ट था। डिवीजन मतलब जो हम नॉर्मल डिवीजन करते हैं, और लेमा मतलब क्या होता है, एक स्टेप्स होती है किसी चीज़ को किसी सम को सॉल्व करने के लिए जो जरूरत होती है उसे कहते हैं हम लेमा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन को कंसिडर करते हैं। इट स्टेट्स दैट फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी, यहाँ कह रहे हैं कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स है ए और बी, देर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो उसके लिए क्या होता है कि दो यूनिक इंटीजर्स होंगे क्यू एंड आर, तो सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इसका अगर हम ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बट एक्चुअल में ये है क्या, जो हम बचपन से ऑलरेडी डिवीजन करते आए हैं। ठीक है, अब हमें कोई नंबर दिया है, सपोज टू हमें 13 दिया है और 13 को आपको डिवाइड करना है 5 से। अब मैंने यहाँ 13 लिखा और यहाँ हम इसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 क्या लिखेंगे हम, 5 1 5, 5 2 10, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 3 माइनस करने पर। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं बच्चों कि ये क्या है, हम इसे क्या कहते हैं, डिवीजर। ठीक है, ये क्या है, डिविडेंड। ठीक है, ये क्या है हमारा, क्वोशेंट। और ये क्या है हमारा, रिमाइंडर। तो इस तरह से हमें पता है ये हम बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, ये हमें बहुत छोटी क्लासेस जो होती है उसमें भी हमें सिखा दिया जाता है। तो अब इसका जो है, इसका फॉर्मूला आपको शुरू से बताया है कि इसको अगर हमें चेक करना होता है तो ये राइट है या नहीं, इसके लिए हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको इस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाइड, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिविडेंड क्या हो गया यहाँ पर हमारा 13, डिविजर क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय क्यू प्लस 3। ठीक है, तो हम क्या देखते थे, हमारी जो होती थी वैल्यू होती थी 13 इज इक्वल टू 5 2 10, 10 प्लस 3 13, ये हमारा के इक्वल आता था। तो हम क्या कहते थे कि ये हमारा सम जो है वो राइट है। ठीक है, तो ये बस इसी तरह से फॉर्मूला, आपको डिविडेंड को क्या मान लेना है, ए। ठीक है, डिविजर जो है उसको हम क्या रख लेते हैं, बी। क्यू क्यू की जगह रहेगा प्लस आर, यही तो है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है वही दिया हुआ है हमें। ठीक है, जहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं, आर की जो वैल्यू है, आर क्या है हमारा, ये आर, ये आर की जो वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है और जीरो से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, कितनी बार हम ये डिवीजन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे जीरो आ जाता है रिमाइंडर, तो जीरो भी हो सकती है और जीरो से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और जो है इसकी बी से कम होगी वैल्यू, बी मतलब क्या हो जाता है, बी मतलब ये है डिविजर, तो डिविजर से हमें हमेशा छोटा ही मिलेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये हमारे चैप्टर में क्या काम आने वाला है, ये हम एच सी एफ फाइंड आउट करेंगे, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हम पहले कॉमन डिविजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने अभी तक की क्लासेस में किया है, पर अभी हम किससे करने वाले हैं, यूक्लिड डिविजन लेमा से करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता देती हूँ तो आपको आगे समझने में ईजी रहेगा। अब हमारा आगे का एग्जाम्पल है, फाइंड एच सी एफ ऑफ 125 एंड 145 बाई यूक्लिड डिविजन लेमा। ठीक है, तो अब ये क्या है, सबसे पहले स्मॉलर नंबर ये है, बिगर नंबर ये है, तो हम बिगर नंबर को यहाँ लिखते हैं और स्मॉलर नंबर को यहाँ लिखते हैं डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो 125 को अब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 125 1 125 होता है, तो हम वही लिखेंगे 125। ठीक है, क्योंकि हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बिगर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सब्ट्रैक्शन किया 0, 4 में से 2 माइनस किया 2, हमें यहाँ पे क्या मिलता है, 20। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है
ये हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिला है। जब तक हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलता है तब तक हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहली जो है स्टेप बना लेते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या होगी, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 145 इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या होती है, बी की हमने अभी देखी, बी की वैल्यू क्या हो जाती है, ये डिविजर जो होता है हमारा वो होता है बी। तो ये क्या है, 125 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजर हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर 20, ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ 20 है, यहाँ का जो है हमारा डिवीजर, इसको हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं, 20 के टेबल में 125 को हमको करना है। तो 26 सिक्सा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। तो 26 सिक्सा 120, इसको सब्ट्रैक्ट किया हमें क्या मिला, 5। अभी भी हमें जो क्या है रिमाइंडर जीरो नहीं मिला है, तो हमें करते जाना है। तो अभी हमारी सेकंड स्टेप क्या हो जाएगी, सेकंड स्टेप अभी हमें सिर्फ इसको देखना है, इस पूरे को। तो 125 क्या है हमारा, ये डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस रिमाइंडर 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर से हमें जीरो तो चाहिए एंड में, तो उसके लिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, 20 को हम यहाँ लिखते हैं। अब क्या हो गया, 5 4 20, और ये हमें मिल गया क्या, जीरो। तो हमारी लास्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 20 डिविडेंड है, डिविजर क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस रिमाइंडर 0। तो अब हमारा एच सी एफ क्या होता है, एच सी एफ जो होता है, ये जो हमारी फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप, जो थर्ड स्टेप लास्ट वाली थर्ड स्टेप होती है ना, इसका डिविजर जो होता है वो हमारा क्या होता है, एच सी एफ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, यूक्लिड डिविजन लेमा जो है, पहले हमने उसकी डेफिनेशन देखी, फिर हमने उसका एग्जाम्पल देखा, फिर जो है हमें उसका फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद जो है ये आपका एच सी एफ कैसे फाइंड आउट करना है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से, ये हमने क्लियर कर लिया। तो अब जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये याद रखना है, तो इससे आपको क्या होगा, आपको क्वेश्चंस करने में बहुत ईजी होगा। ओके बच्चों।